कई लोग अभी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं कि वीजा नहीं मिल रहा, हम भी हिंदुस्तान हैं, वहाँ पीड़ित है, धर्म परिवर्तन का दबाव, मारपीट और लूटपाट, वहाँ बहुत ही दुखी है। शुक्रगुजार हैं पीएम मोदी जी का और केंद्र सरकार का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और आज हमें इतनी दिवाली से बढ़कर, और जैसे सूरज नया निकलता है उसी तरह हमारे जीवन में एक नया सूरज आया है, और हमारे लिए और तहे दिल से पीएम मोदी जी का और केंद्र सरकार का हम शुक्रगुजार हैं। हमारे लिए एक नया जन्म हुआ है, पूरी सुविधा मिलेगी और मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा, मूल निवास जाति हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे को खुशी होगी, धन्यवाद मोदी जी का, हमारी नागरिकता हो जाए तो हम मोदी जी के हैं, जान तो जान पर सिर भी कुर्बान है मोदी जी के लिए। हम खड़े हैं पाकिस्तान से आए एक हिंदू शरणार्थी की बस्ती में, दिवाली सा माहौल है। आज सीए कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू कर दिया है, जश्न व खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं ये मेरे साथ दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी विस्थापित खड़े हैं, जो दूर दूर से पाकिस्तान से रहीमियर खान, कोई खिपरो, कोई सांगड, पता नहीं कहां कहां से पाकिस्तान से प्रताड़ित होके भारत में आए हैं। यहाँ किसी को नागरिकता मिली है, किसी को नहीं मिली है, बार बार पाकिस्तानी दूतावास के धक्के खाते हैं। इनके लिए कई बड़ी मुसीबतें थी नागरिकता को कानून हासिल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात थी इनको इनके परिवार को लेके जो पाकिस्तानी दूतावास में फीस थी रिन्यू कराने के लिए पासपोर्ट, उसके लिए इनको बहुत परेशानी होती थी। आज सीए कानून लागू होने से इनके चेहरे पे खुशी है, कानून बहुत आसान बन गया है, इनकी परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान में इनके भाई बहन बैठे हैं, इनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनको लौटने में भी काफी आसानी होगी। कई प्रकार की बातें हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की खुशी है, किस तरह का दिवाली का जश्न है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहां से आए आप लोग और किस तरह की जो है आज सीए कानून लागू है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, आज तो दिवाली से भी बढ़ चढ़ के बहुत खुशी का दिन है, हमारे लिए तो आज दिवाली से ऊपर दिन है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इनको धन्यवाद, जो बोलते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, पीड़ित थे और पासपोर्ट रिन्यू का चक्कर लगाना पड़ता था, नई दिल्ली जाना पड़ता था, उसके उससे भी छुटकारा मिलेगा। कई लोग अभी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं कि वीजा नहीं मिल रहा, हम भी हिंदुस्तान हैं, वहाँ पीड़ित है, धर्म परिवर्तन का दबाव, मारपीट और लूटपाट, वहाँ बहुत ही दुखी है। इसलिए सबसे पहले तो निवेदन है कि वीजा की अनुमति दे तो लोग वहाँ जो फंसे हुए हैं वो भी निकल आए, और नागरिकता का जो काम किया है ये बहुत अच्छा किया है, इससे बढ़कर और खुशी नहीं है। हमारे लिए एक नया जन्म हुआ है, पूरी सुविधा मिलेगी और मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा, मूल निवास जाति हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, भारत सरकार जिंदाबाद। कई और लोग पूछेंगे कि किस तरह की जो इनको खुशी मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा धन्यवाद साहब, शुक्रगुजार हैं पीएम मोदी जी का और केंद्र सरकार का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और आज हमें इतनी दिवाली से बढ़कर, और जैसे सूरज नया निकलता है उसी तरह हमारे जीवन में एक नया सूरज आया है, और हमारे लिए और तहे दिल से पीएम मोदी जी का और केंद्र सरकार का हम शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात, और हम मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई और हमें ये सीए लागू करवा कर हमें यहाँ से, मान लो अब हर प्रकार का हमें सुख मिलेगा, हमें मान लो जाति प्रमाण पत्र है और दूसरी कहीं भी जो भी भारत में सुविधा है वो सब सुविधा हमें यहाँ मिलेगी। अभी चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले, मोदी जी का साथ किस तरह दोगे? मोदी जी के लिए साथ तो क्या, हम जान निछावर कर देंगे और जो भी हो सका बन जाए, हम तो मोदी जी को भगवान के समान ही पूजते हैं और हम भगवान के समान ही हैं हमारे लिए, इसलिए कि भगवान ही होता है जो सुनता है, और केवल हमारा सुनने वाला भगवान केवल पीएम मोदी साहब ही है जिन्होंने हमारी ये बात सुनी और हमें यहाँ का नागरिक का वो सीए लागू करवाया, तो हमारे लिए वो भगवान समान है।
किस तरह की हालत है पाकिस्तान में, किस तरह की स्थिति है पाकिस्तान की? हालात सर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर आदमी एक्टिव देख रहा है, 25% से अब 2% है। और पाकिस्तान के अब ये धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा है, उनका दबाव बहुत ज्यादा है, हर प्रकार से दुखी है। और ये तो दुख वही जानता है जिसके शरीर का अपना लगता है, उन्हें दुख लगता है। हमारा परिवार सभी वही है, अभी मान लो 1-2% यहाँ हिंदू आए हुए हैं, बाकी सब वही 98% वही है। तो हमें बहुत दुख लगता है कि वो उनका भी वीजे के बारे में पीएम मोदी जी कोई फैसिलिटी उनकी बनाए जो वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए और यहाँ आएंगे तो हमारा परिवार सब ज्यादातर वहीं रह रहा है। तो हम जी सर बहुत ज्यादा क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी है, कितना खुशी है आपको आज सीए कानून लागू होने से? बहुत खुशी है हमारे को मोदी जी को धन्यवाद, बहुत खुशी है। अब दिवाली से बहुत खुशी है हमारे। क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान में आपके कई भाई बहन बैठे हैं, वो इस नागरिकता कानून के सरलीकरण से उनको आने में दिक्कत नहीं होगी, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेहरबानी करके मोदी सरकार ये पासपोर्ट खोल दें, वीजा खोल दें, वो भी आ जाए हमारे, बहुत हमारे को खुशी होगी। धन्यवाद मोदी जी का, हमारी नागरिकता हो जाए तो हम मोदी जी के हैं, जान तो जान पर सिर भी कुर्बान है मोदी जी के लिए। बस इतना ही कहते हूँ, बस मेहरबानी करके धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कतें हैं अभी अभी जो नागरिकता कानून है अब सरलीकरण हो जाएगा, अभी तक कितनी दिक्कत आ रही है पासपोर्ट रिन्यू करवाने में, कई बड़ी फीस है, कई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, अब बहुत ही आसान हो जाएगा, जब सीए लागू हो गया तो अब हमारी सभी मुश्किलें आसान हो जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है सीए लागू करके, उसके तहत हमारी सभी मुश्किलें आसान हो जाएगी। 2014 के बाद में जो भी भारतीय पाकिस्तान से आए हैं उनको सभी को नागरिकता मिलने में सभी राहें आसान हो जाएगी। मोदी जी ने जो भी फैसले लिए हैं सभी ऐतिहासिक है, हम तहे दिल से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं सीए का। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी का साथ किस तरह निभाओगे? मोदी जी का साथ हम तो सरकार के रणी हैं और हमेशा रणी रहेंगे, सरकार के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास रहेगा मोदी जी। पाकिस्तान से कितने लोग अभी कहाँ कहाँ से लोग हिंदू है जो यहाँ लौटना चाहते हैं? अभी तो लाखों की संख्या में हिंदू अभी भी बैठे हैं जो भी वहाँ पर प्रताड़ित होते रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अभी आगे और भी ऐसे कोई आसान हो जाए, जब वहाँ से भारत पाकिस्तान से आ सके उनके लिए भी आसान हो जाए। ये थे पाकिस्तानी हिंदू विस्थापित जो बता रहे थे, उनके लिए आज नया सूरज उगा है। दिवाली से माहौल है जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने सीए लागू किया है वो सचमुच इनके लिए बहुत ही बड़ी एक नया खुशियां लेके, नया दिन लेके आए। और आने वाले दिनों में आप देखते कितने ताली बजा रहे हैं और ये सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं कि सरकार ने जो आज काम किया है वो सचमुच वो इसके रणी हो गए हैं और भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं तो इनका ही कहना है कि वे हर समय मोदी जी के साथ रहेंगे और उनके उनके लिए हर कानून जो है सरलीकरण बन जाएगा। आने वाले दिनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे पाकिस्तानी दूतावास के। तो कुल मिला के और इनको जितनी योजनाएं का लाभ है केंद्र की, स्टेट की, क्योंकि ये भारत के नागरिक बन जाएंगे और इनको जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार ये कह रहे हैं और इनको हर तरह से जो योजनाओं का लाभ पहले मिलता नहीं था, आधार कार्ड नहीं बनता था, अब इनको हर तरह से आधार कार्ड बनेगा, इनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा और इनको सारी सुविधाओं का लाभ जो है मिलने लगेगा क्योंकि वे भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो सचमुच एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा इन सब के लिए एक नया दिन और दिवाली सा जश्न का माहौल। विमल भाटिया जैसलमेर राजस्थान तक के लिए।